कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग पिछले कुछ दिनों से जारी है। कभी कांग्रेस की तरफ से बीजेपी और पीएम को लेकर ऊटपटांग बयानबाजी होती है तो कभी बीजेपी नेता राहुल गांधी को लेकर कुछ ऐसा बोल देते हैं कि कांग्रेस को नागवार लगती है। इस बार बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथों ले लिया है। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दे दिया है, इससे कांग्रेस पार्टी बेहद नाराज हो गई है। दानवे ने कहा है कि राहुल गांधी किसी काम के नेता नहीं है, वो सड़कों पर टहलने वाले आवारा सांड की तरह है। दरअसल दानवे ने ये तीखी टिप्पणी महाराष्ट्र में अपनी आशीर्वाद यात्रा के दौरान की है। दानवे ने कहा कि राहुल गांधी किसी के काम के नहीं है, वो भगवान को समर्पित एक सांड की तरह है, वो हर जगह घूमता है लेकिन किसी के काम का नहीं है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि ऐसा सांड भले ही किसी खेत में घुसकर फसल को खा जाए लेकिन किसान ये कहकर जानवर को माफ कर देता है कि उसे भोजन की जरूरत है। उधर दानवे की इस बात को सुनकर कांग्रेस नाराज हो गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने दानवे को माफी मांगने और सरकार से इस्तीफे की मांग की है। पटोले ने बताया कि दानवे ने सभी सीमाओं को पार कर दिया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब दानवे ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ बताया था। लेकिन बीजेपी में तो ऐसे बयानबाजी करने वाले एक दो लोग ही हैं, जबकि कांग्रेस में तो ऐसे नेताओं की भरमार है जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी लांघकर मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में जब कांग्रेस खुद पीएम की गरिमा का ख्याल नहीं रखती है तो वो दानवे का इस्तीफा किस हक से मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।